गुड मॉर्निंग, बैक टू बैक माय शेड्यूल पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है वर्कएबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू स्लम कोण। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूँ जो वर्कएबिलिटी ऑफ स्लम कोण है वो क्यों टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास जो मिक्स मटेरियल होता है उसको चेक करने के लिए कि उसके अंदर कितनी परसेंट ऑफ द वाटर है, और इसके अंदर कोई मटेरियल जैसे कोई मिक्स प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई मटेरियल जैसे कोई सेग्रेशन या कॉम्पैक्टेड मटेरियल में क्या मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उसके अंदर क्या है कि जो हमारा वर्केबिलिटी जो मटेरियल होता है ना, उसके अंदर क्या है वाटर की परसेंटेज को चेक करने के लिए उसको हम स्लम कोण का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, बने रहे हमारे वीडियो पे। वर्केबिलिटी में तो आपको मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं डिमेंशन और उसकी बारे में बताना चाहता हूँ। तो कि जो हमारा इसका टॉप का जो डाया होता है वो 100 mm का होता है, और इसका बॉटम का डाया होता है वो 200 mm का होता है, और इसकी जो हाइट होती है स्लम कोण की वो 300 mm होती है, और हमारे पास एक रोड होती है टैंपिंग रोड, उसकी जो हाइट होती है वो 600 mm की लॉन्ग होती है, और इसका 16 mm का डाया मिलता है। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे वीडियो पे और चलते हैं अब हमारे। तो फ्रेंड, मैं बताने वाला हूँ कि वर्केबिलिटी क्या चीज़ होती है। उसका मतलब कंक्रीट इज साइड टू बी वर्केबिलिटी इफ़ इट इज़ ईजिली ट्रांसपोर्टेड प्लेस कॉम्पैक्टेड एंड फिनिशिंग विदाउट एनी सेग्रेशन। उसका मतलब है कि जो हम कॉम्पैक्ट करते हैं, जो हम ट्रांसपोर्टेशन से मटेरियल को साइड पर जाते हैं, उस मटेरियल का सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग होना, वो हमको प्रोड्यूस किया था कि वर्केबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद कि हमारे पास कि व्हाट इज टाइप ऑफ द टेस्ट, कि कितने टाइप के टेस्ट होते हैं वर्केबिलिटी। ये होते हैं स्लम कोण टेस्ट होता है, एक कॉम्पैक्टेड फैक्टर मेथड टेस्ट होता है, एक फ्लो टेबल टेस्ट होता है, एक वी कंसिस्टेंसी मेथड टेस्ट होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं स्लम कोण टेस्ट। तो चलते हैं हमारी वीडियो पे, बने रहे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा मटेरियल बनके रेडी हो चुका है, और ये मिक्सर से मटेरियल को हम रोटेट कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से उसको अंदर मिक्स हो जाए, सीमेंट वगैरह सब कुछ एग्रीगेट 10-20। तो ये हमने वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं कि जो मटेरियल नीचे डाल चुके हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसे कि मेरा सर ने आपको इसके बारे में टोटल जानकारी दे दिया है कि सलम के बारे में, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसको भरा कैसे जाता है, सलम को कितना लेयर में भरा जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये अभी भर रहे हैं इसको 4 लेयर में दोस्तों हम लोग भरते हैं दोस्तों, और पर लेयर पे हमको 25 ब्लोज मारा जाता है दोस्तों। जैसे कि ये मेरा देखिए अभी मार रहा है मेरा लड़का, इसको 4 लेयर में ही भरना है दोस्तों सलम चेक करने के लिए दोस्तों। और 4 लेयर पे भरने के बाद पर लेयर पे 25 डंपिंग करना है हमको, और आप मेरे वीडियो पे बने रहे हैं, हम आपको टोटल इसके बारे में जानकारी देंगे। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट लेयर भरा जा चुका है, मेरा सेकंड लेयर भर रहा है, और मेरा माल जो कि बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सिंग है इसमें, ये M35 ग्रेड का मटेरियल है जिसका हम सलम चेक कर रहे हैं दोस्तों, और ये मेरा सेकंड लेयर डाल रहा है। इसमें भी हमको 25 ब्लोज ही मारना है। 2 लेयर कंप्लीट हो गया, मेरा तीसरा लेयर इसमें भर रहा है। और जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि 4 लेयर में भरना है, तो ये तीसरा लेयर है मेरा, इसके बाद और एक लेयर भरेंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मेरा इसमें सलम कितना आ रहा है। और जो कि मेरा सर आपको पीछे बता ही चुके हैं कि कैसा इसका कितना डाया है, क्या है, वो सब मैं आप, और जो कि ये मेरा लास्ट लेयर जो कि चौथा लेयर है भर रहे हैं, और इसमें भी 25 ब्लोज ही हमको मारना है। ये हमारे गिर जाते हैं तो ये गुलाब सलम मारा जाता है, और इस तरह से हमको इसको लेवल करना है जो कि आप देख सकते हो। और उसके बाद इसको क्लीन करने के बाद अभी क्या पहले इसके नट खोल जाते हैं। अब इसका नट खोलने के बाद आप मेरे वीडियो पे बने रहें, अब देखिए क्या होता है। इसको ऐसे आस्ते से घुमाने के बाद ये जैसे कि मेरा 0 सलम में आ गया दोस्तों। अब इसको हम डंपिंग राउट से उल्टी टाइप से इसका रीडिंग लिया जाता है कि मेरा कितना रीडिंग आ रहा है दोस्तों। इसका जो रीडिंग दोस्तों, इसका मेरा रीडिंग आया, आप देख लीजिए 20 आया दोस्तों सलम। जैसे कि इसको अब हम बोलेंगे कि सलम मेरा इसमें 20 आया है, तो ये जैसे कि ये मेरा पीकुसी का मटेरियल हो गया दोस्तों। सलम 20 आ रहा है, इसका मतलब मेरा ये पीकुसी का मटेरियल है, और इसको हम लो सलम बोल सकते हैं। बता ही चुका है कि पहले आपको
अगर आपके सामने ऐसे कभी भी सलम करते समय आपको सलम के सामने आपको मिले, जैसे कि फर्स्ट है तो इसको हम ट्रू सलम बोलते हैं, अगर हम पूरा मन सलम मिले जैसे जीरो सलम बोले उसको हम जीरो सलम बोलेंगे, और आपको बिखरा हुआ मटेरियल मिले उसको हम कोलैप्स मटेरियल बोलेंगे, और जैसे कि एक साइड से कटा हुआ जैसे सलम मिले उसको हम शेयर सलम बोलेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।